Welcome everyone to Value Talk. I am your host, Captain Rukul Chaudhary, co-founder of Value Talks, and we have with us today Jitendra Chaudhary, who has 17 plus years of experience in financial industry. He is SEBI registered investment advisor, MBA finance, and IRDA certified. I welcome you, Jitendra, today. Thank you very, very much. Pleasure to be here. You're welcome. आज की हमारी जो टॉक है उसका टॉपिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का देयर इज अ इंश्योरेंस प्लान ऑन हेल्थ इंश्योरेंस बाय द नेम ऑफ हेल्थ एडवांटेज प्लान. वी विल बी डूइंग अ डिस्कशन ऑन दैट एज टू इज इट रियली अ गुड प्लान और आई मीन एंड वी विल सी एज टू हाउ इट कैन बी ऑफ बेनिफिट टू अ पर्सन हु बायज इट. बट मैं शुरुआत जो है वो आपसे ये समझ के नहीं करना चाहूंगा जितेंद्र की इस प्लान की खासियत क्या है, बिकॉज हर कोई अपने सामान की चमक तो दिखाता ही है. जी बिल्कुल. मैं मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर आज आप 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें और अगर आप इसको समझते हैं तो इसमें क्या ऐसा है जो होना चाहिए, what it is there which you would like to improve या इसमें बेहतर हो सकता था इस plan में? That would be my first question, not what is already good in this plan. जी, I understand your concern. तो पहले negative से बात करते हैं. इस plan के अंदर जो सबसे major negative है और जहाँ कहीं ना कहीं सारे लोग focus करते हैं वो है cost. तो अगर आप सस्ता और टिकाऊ प्लान देख रहे, कोई हेल्थ प्लान ऐसा जो सस्ते में मिल जाए और ज्यादा उस पर खर्चा ना करना पड़े, तो ये वो प्लान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कहीं ना कहीं एक अपने पीयर ग्रुप के जो बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसमें हो सकता है ऑलमोस्ट 70-80% इसके फीचर्स इंक्लूडेड हों, उनसे ऑलमोस्ट 15-20% महंगा है ये. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे, क्योंकि फीचर्स इन्होंने भर भर के डाल दिए इसके अंदर. तो जो चीजें किसी ने कवर नहीं कर रखी वो सब कुछ इन्होंने डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गया. तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप सस्ता और टिकाऊ कुछ देख रहे हैं सॉल्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो ये वो प्रोडक्ट नहीं है. तो हर किसी को सूट नहीं करेगा, बट देयर आर क्लाइंट्स हु हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जो कुछ ऐसा कवरेज चाहते हैं जो ज्यादा हॉलिस्टिक हो, काफी सारी ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहा हो जो कि नॉर्मली सारे प्लान या कंपनीज कवर नहीं करती हैं, तो हो सकता है आपको इसमें वो एडवांटेज मिल जाए, जैसा कि नाम ही बता रहे हैं, एडवांटेज. दूसरा जो डिसएडवांटेज या नेगेटिव है इसके साथ वो ये है कि इसका जो सबसे अच्छा फीचर है जो कि वर्ल्ड वाइड कवर है, मतलब आप दुनिया में कहीं भी अपना जाके इलाज करा सकते हैं, वो सबके लिए नहीं है. उसके लिए आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा 25 लाख या उससे ऊपर. तो अगर आप छोटी पॉलिसी लेके 5-7 लाख का कवर लेंगे इसके अंदर, तो आपको वर्ल्ड वाइड हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के लिए. बट अगर आप 25 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाके अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और आपकी प्रेफरेंस है ट्रीटमेंट कराने की, तो कंपनी अप टू द सम एश्योर्ड आपको रिइंबर्समेंट करेगा या क्लेम सेटल करेगा. तीसरा डिसएडवांटेज जो मुझे दिखा वो था एम्बुलेंस सर्विसेज रिलेटेड. तो इसको इन्होंने कहीं ना कहीं कैपिंग डाल दी है, और कैपिंग कुछ इस तरीके से कि अगर आप सर्विस एम्बुलेंस सर्विसेज लेते हैं तो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड ये देते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज. तो अगर आपने एम्बुलेंस ली है उसका खर्चा 10,000 से ज्यादा आ गया, तो ये आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, सिर्फ 10,000 पे इसकी कैपिंग लगी हुई है. तो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज, विच इज क्वाइट लो, मतलब काफी कम है. ऐसा हो सकता है कि अगर मल्टीपल सिटीज क्रॉस करते हुए कहीं लंबे डिस्टेंस पे जाना पड़ा तो आपका एम्बुलेंस का खर्चा काफी ज्यादा हो जाए, जो कि इसमें कैपिंग में आ जाता है. तो एक डिसएडवांटेज है. Another important feature, which again becomes a little bit disadvantage for this product, is maternity benefit. ज़्यादातर companies maternity benefit को day one से cover नहीं करती हैं. ये करते हैं, but उसके लिए आपको जो subscription है वो 3 साल का लेना पड़ेगा. मतलब अगर आप 1 साल की policy कराएंगे तो आपको coverage नहीं मिलेगा, आपको 3 साल की policy करानी पड़ेगी जिसमें 9 महीने का waiting period होगा, तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट का एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पॉलिसी को एक थोड़ा सा नेगेटिव शेड देती हैं. अदरवाइज अगर फीचर्स देखा जाए तो ओवरलोडेड है. ओके, सो मैं आपकी बात को अगर समझाऊं जितेंद्र जी, आप ये बोल रहे हैं कि वैसे तो ये 5-स्टार प्लान है जी, और क्योंकि ये 5-स्टार प्लान है इसलिए इसके रेट ज्यादा है जी, नॉर्मल कंपैरिजन में ज्यादा है जी, बट
एक तो अगर आपको 5 स्टार में भी अब अगर वर्ल्ड वाइड कवरेज चाहिए कि आप ये चाहते हैं कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री में ही हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने मिनिमम 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रख दिया है, जिससे कि प्रीमियम और भी ज्यादा हो जाएगा। प्लस कुछ एम्बुलेंस पर कैपिंग लगा दी, और मेटर्निटी बेनिफिट अवेल करने के लिए या तो 3 साल वेट कीजिए या 3 साल का प्रीमियम एक साथ दीजिए। 3 साल का वेट नहीं कहेंगे, 2 साल का वेट है अगर आप 3 साल की पॉलिसी नहीं कराते हैं तो थर्ड ईयर में आपको मेटर्निटी बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे देते हैं, आप 3 साल की पॉलिसी करा देते हैं, तो फिर 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है, आप उसके बाद कभी भी मेटर्निटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके ठीक है। वो तो मतलब 1 सवा साल का फर्क हुआ, अनलेस अंटिल समवन इज रियली कीन ऑन प्लानिंग एब्सोल्युटली अ फैमिली या दिस नॉट। ओके चलिए, ये तो इसमें वो हुआ जो इसमें तकलीफ है, मतलब सबसे पहले तो ये कि महंगा है। अब क्या ये इसके फीचर्स इसके प्रीमियम को जस्टिफाई करते हैं, यानी वो बताएं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि मतलब मैं महंगा खरीदने का मन भी बनाऊं तो क्या मुझे उसके लिए उतना रिटर्न में मिल रहा है या नहीं। जी देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हर किसी को सूट नहीं करता, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये हर किसी को सूट नहीं करेगा, बट हाँ एक मास ऐसा होगा, मास ऑफ इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस टेकर्स जिनको ये पॉलिसी काफी सूट करेगी, क्योंकि इसके फीचर्स को इस तरीके से रखा गया है कि अगर आप इनके फीचर्स के बेसिस पे अगर इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो ओवरलोडेड है ये पॉलिसी। तो जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में मेरे पास डिमांड आती है, विद माय काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई कम अक्रॉस विद पीपल हु आस्क फॉर वर्ल्ड वाइड कवर, जो ये कहते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस तो चाहिए, बट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ इंडिया इंडिया में कवर करेगी। हो सकता है मैं अब्रॉड बैठा हूँ, मुझे तो वहां पे भी कवरेज चाहिए हो सकती है। मेरे बच्चे हो सकता है आगे चल के अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, तो उनको वहां पे कवरेज चाहिए हो सकती है। तो वर्ल्ड वाइड कवरेज जो एक बहुत मेजर फैक्टर बनता जा रहा है आजकल, मतलब उसके बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस ली जाती है, विच इज अ वेरी मेजर बेनिफिट, पहली चीज। दूसरा, इसमें इन्होंने आपके बेनिफिट के लिए काफी सारे ना एड ऑन सर्विसेज डाल दिए, जैसे आप वीडियो कंसल्टेशंस ले सकते हैं, टेली कंसल्टेशंस ले सकते हैं, आप वेलनेस प्रोग्राम्स का पार्ट हो सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे आगे चल के, आपका पॉलिसी के प्रीमियम में भी और आपके सम एश्योर्ड में भी। आप अगर मान लीजिए क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा इलाज घर से ही हो जाए और डॉक्टर्स अलाउ करते हैं उस ट्रीटमेंट को, तो इसमें ये वो भी कवर करते हैं, जो कि काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं करती है, कि आपका घर से इलाज चल रहा है, होम केयर ट्रीटमेंट चल रही है डॉक्टर्स की एडवाइस के बेसिस पे, और आपका वो भी कंपनी कवर कर रही है। देर आर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, लाइक डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं अप टू सम एश्योर्ड। तो अगर आपको कभी कहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े और एयर एम्बुलेंस का यूज करना पड़े तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी पॉलिसी। इनकी एक पुरानी पॉलिसी हुआ करती थी जिसको इन्होंने डिसकंटिन्यू करके ये नया प्रोडक्ट अपग्रेड करके निकाला है, उसमें इनका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 और 60 डेज होता था। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, जिसको इन्होंने इस पॉलिसी में बढ़ा के 60 और 180 कर दिया। तो अगर बीमारी होती जी आप या कोई मेरे को फीचर्स या कुछ इसका कोई स्लाइड या कुछ दिखा सकते हैं, सो दैट मैं उसको देखते हुए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर फीचर्स की बात करें या बेनिफिट्स की बात करें, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में ही सिमिलर ही होते हैं, एंट्री एज, एग्जिट एज, कब कब किस एज पे आप दे सकते हैं, किस एज पे आप इसको मैक्सिमम तक कंपनी ऑफर करेगी, दीज आर समथिंग विच आर बेसिक्स। सो वील कम डाउन टू द बेनिफिट्स। इस पॉलिसी के अंदर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ तक हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आपको कितना कवरेज चाहिए अपने और अपनी फैमिली के लिए, आप 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के सम एश्योर्ड को टारगेट कर सकते हैं। इतना बड़ा सम एश्योर्ड एक बेस पॉलिसी के अंदर अभी तक नहीं देखा गया। मैक्सिमम कंपनीज जो है वो 50 लाख, 1 करोड़, कुछ पॉलिसीज है जो अब धीरे धीरे करके 3 तक जा रही है, बट इसमें है वो ऑप्शन नहीं, मतलब डे वन से ही है कि 3 करोड़ तक का आप कवरेज ले सकते हैं। इन पेशेंट केयर एक्सपेंसिज आपका अप टू सम एश्योर्ड है, तो जैसे ही आप एडमिट होते हैं और जो भी आपका खर्चा होगा वो सब कुछ आपका अप टू सम एश्योर्ड तक कवर किया जाएगा, कोई कैपिंग नहीं है। अगर कोई किसी तरीके की बैरेट्रिक्स सर्जरी हो रही, मतलब गैस्ट्रिक वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें 50% तक का सम एश्योर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज कवर करें, जो कि मैंने देखा है कि काफी पॉलिसीज में नहीं है, मतलब ये चीज मेरे को नया दिखा इसके अंदर पॉइंट। आयुष ट्रीटमेंट जो होती है बेरियाट्रिक, जी जस्ट फॉर योर इन्फो, बेरियाट्रिक इज बेसिकली मेटाबॉलिज्म या ओबेसिटी रिडक्शन सर्जरी। राइट एब्सोल्युटली जी
तो उसके लिए अभी तक हाँ जी कंपनीज कोई किसी तरीके का ऐसा कोई सर्जरी के लिए नहीं कर रही थी, बट अभी इन्होंने ये भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। तो आपको 50% तक का सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख तक का आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है इस पॉलिसी में। आयुष ट्रीटमेंट जो होती है, जैसे यूनानी हो गई, आपकी आयुर्वेदिक हो गई, काफी कंपनीज करती हैं, ऑलरेडी प्लान्स हैं, बट वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी कैपिंग होती है। यहाँ पे अप टू सम एश्योर्ड है, तो आप जितना सम एश्योर्ड लेंगे उतना ही आपकी आयुष ट्रीटमेंट को कवर कर सकते हैं इसके अंदर। वेटिंग पीरियड इनिशियली सारी पॉलिसीज का 30 डेज होता है, तो अगर आप आज पॉलिसी लेते हैं तो अगले 1 महीने तक ये कुछ भी कवर नहीं करते कोई भी कंपनी। मतलब ये पहले 30 डेज तो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, सिर्फ एक्सीडेंटल इमरजेंसीज कवर होती हैं उस दौरान में। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई पुराना एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग कुछ इलनेस चल रहा है, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 3rd ईयर से वो भी इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। आपका रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है। कई बार ही हम लोग सस्ते के चक्कर में पॉलिसीज ले लेते हैं और ये नहीं देखते कि उसमें कैपिंग्स कहाँ कहाँ डाली हुई हैं। रूम रेंट पे उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिंग डाली होती है, आपके इन पेशेंट ट्रीटमेंट पे कैपिंग डाली होती है कि आप कमरा ले सकते हैं तो 2,000 रुपये पर डे का ले सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें डाली होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कैसा भी कैटेगरी का रूम हो, कैसा भी कितना भी खर्चा हो उस कमरे के ऊपर, आपको अप टू सम एश्योर्ड तक कंपनी पे करेगी। डोनर का कोई एक्सपेंस है, डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है, वो सारे डे केयर प्रोसीजर्स इन्होंने कवर कर लिए। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिसमें आपको एडमिट नहीं होना पड़ रहा है, सेम डे इलाज हुआ, सेम डे छुट्टी हो गई, तो वो ये लोग कवर कर रहे हैं, जिसकी इन्होंने एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रखी है जो इसमें कवर हो रहा है। तो यहाँ जो मैं अगर आपकी बात समझाऊँ, ये कहते हैं कि अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली फ्लोटर है, ये पूरे परिवार को कवर है, किसी भी उसकी वजह से अगर मेरे फैमिली में से या जो भी इंश्योर्ड लोग हैं मेरे फैमिली में, उनमें से अगर किसी को एडमिट होना पड़ा, तो जितना भी मेरा सम इंश्योर्ड है जी वो पूरे तक का आप कवर करेंगे इसके। हाँ जी बिल्कुल ओके उसमें वो जो एक सिस्टम होता है कंज्यूमेबल्स और ये सब, और वो किस तरह से वो देखिए, इसमें उस पे मैं आऊंगा आगे, मेरे एजेंडाज में वो भी था, फिर भी मैं ऑडियंस के ठीक मैं फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंटर वहाँ पे डाल देता हूँ। इसमें एक राइटर होता है जिसको कहते हैं क्लेम प्रोटेक्टर, उस पे आप कुछ 500-700 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं प्रीमियम पे, और आपके जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं या नॉन पेबल आइटम्स होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, उसकी भी पेमेंट फिर कंपनी अपने सम एश्योर्ड में से करती है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट लेना पड़ता है अपने प्रीमियम के ऊपर, और बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैंने जो नोटिस किया वो तकरीबन ऐसे ही होता है, 500 से 700-800 रुपये के बीच में। तो जैसे हमने बात करी कि आयुष ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं, मतलब कोई भी ऐसा इलाज जो अलग नेचर का है, जैसे यूनानी है या आयुर्वेदिक है, वो अप टू सम एश्योर्ड तक है, उस पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मतलब ऑब्वियसली हाँ, बिल्स वगैरह और प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, बट सम एश्योर्ड तक पूरा पेमेंट किया जाएगा, कैशलेस और रिइम्बर्समेंट व्हाटएवर। हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले का 60 दिन का खर्चा, और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, वापस घर आने के बाद जो 180 दिन है वो भी इन्होंने कवर कर दिया। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 60 एंड 180 डेज। ओके कोई सो ओनर अगर मैं यहाँ पे समझा हूँ क्लियर, आप ये कह रहे हैं कि 2 महीना स्टार्ट होने से पहले, जी मतलब किसी भी तरह की, मान लीजिए किसी की मेजर सर्जरी हाँ है, जी तो 2 महीना सर्जरी से पहले के जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, जो ओपीडी खर्चे हैं वो सब, जी प्लस सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी केयर अप टिल 6 मंथ्स, हाँ जी मेडिसिन जी एंड डॉक्टर फॉलो अप प्रोसीजर्स कंसल्टेशंस, एंड डॉक्टर डॉक्टर लोग। कंसल्टेशन, कंसल्टेशंस, नर्सिंग, नर्सरी, नर्सिंग एक्सपेंसेस, ऑल दिस इज कवर्ड, मतलब अप टू 180 डेज। तो ये तो लगभग आप माने तो 6 और 2 8 महीने इन्होंने लगभग कवर किया, आठ हाँ महीने का जी साल जी में इन्होंने आपको, जी बिल्कुल और ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर आल्सो कवर्ड, ओपीडी कोई किसी तरह का, और जो जी अगर पेरिफेरल है, मतलब कोई ऑर्गन डोनर अगर है तो उनको जो पेमेंट करना है वो भी वो इसी भी तरह। कवर्ड है, और अप टू सम एश्योर्ड है। तो अगर मान लीजिए बड़ा खर्चा हो जाता है और आपको बड़ी पेमेंट करनी है फॉर दी ओनर डोनर्स एक्सपेंसेस, तो इस पे कोई इन्होंने कैपिंग नहीं डाली कि हम इतना ही पे करेंगे और बाकी आपको अपनी आउट ऑफ द पॉकेट करनी पड़ेगी, विच इज ऑल्सो अ मेजर बेनिफिट। कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि अगर आपके सम एश्योर्ड के अंदर है तो ऑलमोस्ट आपके सारे एक्सपेंसेस के अंदर पेड है। हाँ, अगर ओवर एक्सीड कर जाता है आपके करेक्ट सम एश्योर्ड से तो हो सकता है आपको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस करने पड़े। ओके नेक्स्ट आगे बताएं। ये अदर बेनिफिट्स हैं, मतलब
जैसे मैंने बताया सर्विस एम्बुलेंस का, ये लोग 1% ऑफ द सम शॉट देते हैं, कहीं ना कहीं कैपिंग डाल दी है, मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उनको लगे कि यार ये कम है, ज्यादा होना चाहिए था, बट ठीक है, ये इनका बेनिफिट है, इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है। देखा जाए तो बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कम है, ज्यादा किया जा सकता था, बट ठीक है, प्रोडक्ट का पार्ट यही है अभी। अगर किसी भी तरीके की एनिमल बाइट होती है, उसका वैक्सीनेशन का अप टू 10,000 रुपीज ये लोग पे करते हैं, जो कि काफी सारे प्रोडक्ट्स में कवर्ड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूजन, इसमें इंक्लूडेड है 10,000 तक का खर्चा। एक बेनिफिट जो आजकल हर पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो है रीस्टोर बेनिफिट। तो रीस्टोर बेनिफिट को अगर समझे, मान लीजिए फैमिली के अंदर कोई भी एक एक फैमिली मेंबर या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, और समय शॉर्ट खत्म हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बाकी लोगों के लिए कवरेजेस नहीं बचती हैं, तो ये लोग रीस्टोर बेनिफिट में उसको 100% से रीस्टोर कर देते हैं, यानी रिचार्ज कर देते हैं, तो समय शॉर्ट कभी भी खत्म नहीं होता है। बट हाँ, सेम पर्सन सेम इलनेस नहीं होना चाहिए, एनी अदर फैमिली मेंबर सेम इलनेस और सेम फैमिली मेंबर डिफरेंट इलनेस हो, तो ये रिस्टोर बेनिफिट काम करता है। जी इसके लिए क्या मुझे अलग से कुछ वापस इनको खर्चा देना पड़ता है क्या नहीं, लगभग? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं है, ये जितनी बारी ये एग्जॉस्ट होगा ये उतनी बारी इसको रिस्टोर करते रहेंगे। कंडीशन यही है, सेम पर्सन नहीं होना चाहिए और सेम इलनेस नहीं होनी चाहिए। सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस और अनदर पर्सन सेम इलनेस, मतलब किसी और को वही बीमारी हो जाए, या जो जो पहले बीमार पड़े थे उनको कोई और बीमारी हो जाए, तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रिस्टोर करेंगे पूरे साल में, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार। तो ये अगली अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या मेरे को इसका प्रीमियम एक्स्ट्रा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ जितेंद्र भाई कि जी मैं मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का सम इंश्योर करवाया, जी मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे दोनों, हाँ जी और भगवान ना करे मेरे को जरूरत पड़गी और मैंने 25 लाख रुपया खर्च कर दिया। हाँ जी बिल्कुल अब उसी साल में मेरे और किसी परिवार के सदस्य को जो इंश्योर्ड है जी उनको जरूरत पड़ जाए किसी और चीज के लिए, तो ये अप टिल 25 लाख फिर कवर कर लेंगे, या मुझे बिल्कुल किसी और बीमारी में जरूरत पड़ जाए तो 25 लाख फिर कवर कर लेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल और उसमें मेरे को इस साल कोई अलग से पैसा नहीं देना। नहीं, बिल्कुल नहीं तो कायदे से तो इसका अंदर 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड हो गया ना, 25 × 4 अगर। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर इतनी बारी बीमार पड़ रहे हैं फैमिली मेंबर्स, तो बस कंडीशन वही सेम पर्सन सेम इलनेस सेम पर और सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है और ज्यादा भी यूज हो रहा है तो ये उतनी बार भी रिस्टोर करेंगे। प्रीमियम कहाँ से निकालते हैं फिर? अगले साल निकालते हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज दैट कंडीशन? देखिए कंडीशन उसमें यही है कि जो आपको नो क्लेम बोनस मिलना था, जिसमें कि आपका क्या कहते हैं सम इंश्योर्ड 20% से बढ़ना था, वो नहीं बढ़ेगा अगले साल। जो आप इसके बाद वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसमें लिखा है गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस 20% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10,100%। तो सिंस आपने क्लेम ले लिया है, तो क्लेम ले लिया तो आपका क्यूमुलेटिव बोनस नहीं बनेगा, और क्यूमुलेटिव बोनस नहीं बनेगा तो आपका सम इंश्योर्ड जितना पिछले साल था उतना ही रहेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई भी साल नो क्लेम में जाता है तो 20-20% से ये बढ़ता है और मैक्सिमम 100% तक जा सकता है, यानी किसी ने अगर 25 लाख की पॉलिसी ली है और उनके लगातार 5 साल विदाउट किसी क्लेम के निकल जाते हैं, तो उनका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। राइट, और वो फिर जिस साल में क्लेम ले लेंगे उस साल उनका कम हो जाए। उस साल उसका कम हो जाएगा, हाँ उस साल के लिए हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर से नो क्लेम होगा, फिर से ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बताएं। इसके बाद इन्होंने हेल्थ चेकअप, ये सबके अंदर स्टैंडर्ड हो गया आजकल, हर कंपनी अपने पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप डाल देती है, तो ये इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन देता है कि आप खुद से जाके भी करा सकते हैं, और कंपनी का ये बेनिफिट लेते हुए आप अपना सम इंश्योर्ड के 0.5% तक का कोई भी मेडिकल टेस्ट कराइए, चेकअप कराइए, और आपको कंपनी कुछ चार्ज नहीं करेगी। ओके, ये साल में एक बार आप हाँ मतलब जी, साल में एक बार फैमिली का हर एक मेंबर, मतलब ऑब्वियसली एडल्ट्स के लिए होता है, चाइल्ड के लिए इन्होंने अब शुरू कर दिया है, वो मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें चिल्ड्रंस आर ऑल इंक्लूडेड और नॉट, बट अडल्ट्स के लिए तो कंफर्म है कि वो उनका तो साल में आप एक बार ही कभी भी करा सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम शॉर्ट, तो इस केस में भी इन्होंने कोई कैपिंग नहीं रखी है, सम शॉर्ट पूरा का पूरा ये लोग आपको पे करते हैं डोमिसिलरी के केस में भी।
तो विच इज अगेन एन इम्पोर्टेंट डोमिसिलिटी जी. डोमिसिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना है, और देखिए कोई अगर ऐसी इलाज ऐसी करना कोई हो। कंडीशन हो जाती है जहाँ पे पेशेंट को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, मतलब उनको घर पे ही ट्रीट करना पड़ेगा, या मान लीजिए डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया है कि इनकी ट्रीटमेंट जो है वो घर से भी हो सकती है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वो डोमिसिलरी में चला जाता है, और डोमिसिलरी में भी अप टू समय शॉर्ट तक पे करते हैं. तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उन कंडीशंस के केस में आप हॉस्पिटल में ना जाके घर से भी इलाज करा सकते हैं. आपकी जितनी भी ट्रीटमेंट है, नर्सिंग है, वो घर से हो सकती है, तो वो डोमिसिलरी का पार्ट बन के वो अप टू समय शॉर्ट तक भी कंपनी को पे करती है. बैरियाट्रिक सर्जरी हमने अभी बात करी कि 50% ऑफ द समय शॉर्ट, मैक्सिमम 10 लैक्स. तो आप कोई भी ओबेसिटी से रिलेटेड कोई सर्जरी कराते हैं तो 50% समय शॉर्ट का, मैक्सिमम 10 लाख तक ये पे करती है उस सर्जरी के लिए. कॉन्वलेसेंस बेनिफिट बेसिकली होता है अगर आप लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, 10 दिन से ज्यादा आपको हो गया हॉस्पिटलाइज होते हुए, और आप 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में रहे हैं, तो कंपनी एक बेनिफिट पास ऑन करती है टू दी पॉलिसी होल्डर. वो एक 20,000 रुपये का लमसम जो है वो उनकी फैमिली को पे कर देते हैं, जिसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये एक एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. मतलब मान लीजिए आपने प्रीमियम ही दिया है 25,000 रुपये, और कोई ऐसी इवेंट होती है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया 10 दिन से ज्यादा के लिए, तो 20,000 रुपये वापस आ जाते हैं, विच इज नॉट अ बिग सम, बट एटलीस्ट आपका एक तरीके से पॉलिसी फ्री ही हो जाती है. तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको कंटिन्यूअसली 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल रहने पर, एंड इट इज अ कंपल्सरी थिंग बाय IRDA, जो इनका रेगुलेटर है, उसने बोला हुआ है कि अगर कोई भी आपका पेशेंट 10 दिन से ज्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज होगा तो आपको ये लमसम बेनिफिट उसको पास ऑन करना है, विच इज 10-20,000 रुपीज. ये ओके ऑप्शनल बेनिफिट्स। सो ऑप्शनल बेनिफिट ये ऐसे हैं, ये सबके लिए नहीं है, तो जो बड़ा समय शॉर्ट लेते, बड़ा इन द सेंस 25 लाख से ऊपर का जो समय शॉर्ट है उनके लिए है. तो डोमेस्टिक एयर और एम्बुलेंस हो गया जो कि अप टू समय शॉर्ट है, वर्ल्ड वाइड कवर हो गया, ये भी बहुत क्लियरली स्पेल्ड आउट है कि अगर आपका समय शॉर्ट 25 लाख या उससे ज्यादा है तो आप दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में इलाज करा सकते हैं, कंपनी आपको आपके समय शॉर्ट तक का पैसा पे करेगी. एम्बुलेंस असिस्टेंस अवेलेबल है, आपको एम्बुलेंस चाहिए इनके अपने नेटवर्क हॉस्पिटल से या इनकी अपनी एम्बुलेंसेस चाहिए तो वो आपको एट अ फोन कॉल अवेलेबल रहेंगी. किसी भी तरीके का टेली कंसल्टेशन चाहिए, आप किसी डॉक्टर से कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इनकी टीम से कुछ बात करना चाहते हैं, मेडिकल डॉक्टर से, तो वो अनलिमिटेड टाइम्स आप कर सकते हैं. मतलब एक तरीके से थर्ड पार्टी ओपिनियन आपको दे दिया, आप कुछ इलाज कराना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको किसी और की भी एडवाइस मिल जाए, यू कैन कॉल देयर पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड टॉक टू देम एनी एन नंबर ऑफ टाइम्स. होम केयर ट्रीटमेंट भी हमने बात करी कि 5% ऑफ समय शॉर्ट, मैक्सिमम 25,000 तक ये देते हैं, तो आप घर पे रह के भी इलाज करा सकते हैं. आपका मन नहीं है आप बाहर जाने का, आप कहते हैं मैं हॉस्पिटल जाके इलाज नहीं कराना चाहता हूँ, मेरा घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है, और डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, तो ये आपको एक ये एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं जिसमें 5% ऑफ द समय शॉर्ट, मैक्सिमम 25,000 तक का खर्चा ये कवर कर लेते हैं फॉर दी होम केयर ट्रीटमेंट्स. ओके तो ये सही। छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप इसको होलिस्टिक व्यू में देखें तो काफी सारी चीजें हैं जो कई बार यूज हो जाती हैं, मतलब आपके काम आ जाती हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इन्होंने ऐड किया मेटर्निटी बेनिफिट वाला, पुरानी इनकी जो पॉलिसी थी उसके अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड था, 3rd ईयर से इंक्लूड होती थी. अब इन्होंने क्या कहा है कि आप हमें 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे दो और 9 महीने का वेटिंग पीरियड के बाद हम आपको मेटर्निटी बेनिफिट आपका कवर कर देंगे. सो इफ समबडी इज प्लानिंग, और सम इफ अ फैमिली और अ कपल इज प्लानिंग टू हैव अ बेबी, और उनको पता है कि हमारे पास ये पॉलिसी है तो उनके लिए, और 3 साल का प्रीमियम अगर वो दे रहे हैं तो 9 महीने के बाद वो कभी भी इसका बेनिफिट को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि इनका जो कैपिंग है वो है 10% समय शॉर्ट का अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज. तो आपका जितना समय शॉर्ट है उसका 10%, और मैक्सिमम 10 लाख तक का ये पेमेंट करेंगे फॉर दी मेटर्निटी बेनिफिट. कोई इसमें मेन आप फीचर, एक तो ये वेलनेस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज इन्होंने इसमें अवेलेबल करवाया। हाँ, इसमें इन्होंने कुछ वेलनेस रिलेटेड चीजें रखी हैं, मतलब अगर आप अपना ब्लड टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट कराते हैं और आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं, वो डिटेल में जाएंगे उसके ऊपर भी, तो काफी सारे इन्होंने मेट्रिक्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे जिसको आप रिडीम करा सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो रिवॉर्ड्स आप ले सकते हैं, कुछ और अलग तरीके के रेम्यूनरेशंस और बेनिफिट्स हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप इनके वेलनेस प्रोग्राम्स को अवेल करते हैं तो. उसकी इनकी कंप्लीट लिस्ट है, उसमें भी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और इनकेस अगर
आप चाहेंगे तो मैं आपकी ऑडियंस के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि उनके पास वो कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। पेमेंट क्या होगा सर? को पेमेंट का मतलब होता है कि जिसमें से कुछ पैसा आपको देना पड़ता है और बाकी कंपनी देती है। तो अगर मान लीजिए आप ऑप्ट करते हैं, इसमें दो ऑप्शन है, 10% और 20%। 0% तो बाय डिफॉल्ट, जिसमें कि आपको कुछ नहीं देना है, सब कुछ कंपनी पे करेगी अप टू द समय शॉर्ट। तो मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी कराई और आपका 10 लाख का खर्चा आया, तो 10 के 10 लाख रुपए कंपनी आपको एज अ समय शॉर्ट का पार्ट आपको पूरा पूरा पेमेंट करेगी टू दी हॉस्पिटल्स। बट मान लीजिए अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि नहीं, मैं 10% या 20% जो भी आप डिसाइड करते हैं वो मैं उतना अपनी पॉकेट से पे करना चाहता हूँ, तो आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है। ये फिर आपसे प्रीमियम कम चार्ज करेंगे, क्योंकि उस केस में आप कह रहे हैं कि मैं 10% खुद दूंगा। तो मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आया है, तो 10% यानी आपका 10 लाख में से 1 लाख आप देंगे और 9 लाख रुपए कंपनी पे करेगी। तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं कि मैं, जनरली लोग करते नहीं क्योंकि कोई भी अपनी पॉकेट से खर्चा नहीं करना चाहता है, बट अगर आपको लगता है कि मैं 10% दे सकता हूँ या मेरे पास मेरी क्या कहते हैं इतनी बैंडविथ है कि मैं ये खर्चा ले सकता हूँ और बाकी का मैं कंपनी से क्लेम करना चाहूंगा, तो आपके प्रीमियम में अच्छा खासा रिडक्शन हो जाता है। ऑलमोस्ट 15 से 20% का ड्रॉप आ जाता है प्रीमियम के अंदर, अगर आप ये को पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो। आगे बताएं। एक जो मेजर फीचर जिसने मुझे कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिया, वो है कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन क्लॉज। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का प्रीमियम पे करते हैं, उसमें कहीं भी आप कैंसिलेशन और टर्मिनेशन का क्लॉज नहीं होता है, जहां पे आपका पैसा वापस नहीं आता है। मान लीजिए आपने पॉलिसी कराई और आपको 2-3 महीने बाद लगा कि यार ये पॉलिसी मेरे काम की नहीं है, मैं ये पॉलिसी चाहता नहीं हूँ, मैं बंद करना चाहता हूँ इसको, तो इन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है इन पॉलिसी होल्डर्स को कि आप हमारी पॉलिसी वापस कर दो, हम कुछ पैसा अपने पास रख लेंगे और बाकी पैसा जो बचा होगा वो आपको वापस कर देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा फीचर है। कई बार जल्दीबाजी में या किसी रीजन से पॉलिसीज लोग ले लेते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि हमें सूट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो फ्री लुक पीरियड मिलता है जो कि 15 दिन का होता है पॉलिसी इशुएंस से, पॉलिसी रिसीव होने से। उसके बाद भी कंपनी आपको टाइम दे रही है कि अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपके काम नहीं आ रही है तो आप पॉलिसी लौटा दीजिए, कुछ प्रीमियम कट के हम बाकी का बचाव प्रीमियम आपको वापस कर देंगे। और ये मैट्रिक्स वही बता रहा है। तो अगर आपकी 1 साल की पॉलिसी और आपको 6 महीने बाद लगता है कि मेरा पॉलिसी काम नहीं आ रही है और मेरे किसी बेनिफिट की नहीं है, या मैंने कोई और अच्छा प्लान देखा है वो इससे बेहतर है, तो आप 6 महीने बाद पॉलिसी वापस कर दीजिए, कंपनी को इंटीमेट कर दीजिए, 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी वापस करके आपका 50% प्रीमियम काट के वापस कर देंगे। राइट। मैं आपसे इसके अलावा भी एक दो चीज पूछना चाहता हूँ। इसमें मतलब एक ये आजकल बड़ा चलता है इंश्योरेंस कंपनीज में, वो टॉप अप ले लीजिए, टॉप अप लेने की जगह मैं अपना सम इंश्योर्ड बेस क्यों ना बढ़ाऊं? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक बेस पॉलिसी लेते हैं या बेस पॉलिसी के साथ टॉप अप लेते हैं तो कॉस्टिंग में फर्क आता है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए वो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपको लगता है मैं पैसे अफोर्ड कर सकता हूँ और बड़ा समय शॉर्ट मैं अपनी बेस पॉलिसी में लेना चाहता हूँ, तो आप बेस पॉलिसी में ले लीजिए, आप बड़ा समय शॉर्ट ले लीजिए। बट अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इतना बड़ा प्रीमियम नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस आता है एक बेस पॉलिसी बड़े समय शॉर्ट की। फर्क क्यों है, मतलब इसमें वो हिडन क्लॉज, वो कैच क्या है जो समझ नहीं आ रहा? सर कैच पर सबसे पहली चीज ये है कि जो टॉप अप पॉलिसी है वो वर्क ऐसे करती है कि जब तक आपकी ये बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट नहीं होगी, जब तक वहां पर 100% क्लेम सेटल नहीं हो जाएगा, आपकी जो टॉप अप पॉलिसी है वो ट्रिगर नहीं करेगी। सो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख की एक बेस पॉलिसी ली और आपका क्लेम आया 25 लाख रुपए, तो 10 लाख तो कंपनी आपको पे कर देगी आपकी बेस पॉलिसी से, बाकी बचाओ 15 जो है वो कहां से पे होगा? तो मान लीजिए अगर किसी ने टॉप अप पॉलिसी ली है 50 लाख की, टोटल समय शॉर्ट हो गया 10 प्लस 50 यानी 60, तो पहले 10 लाख रुपए जो है वो बेस पॉलिसी में से डिडक्ट हो जाएगा, वो पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही 10 खत्म हो जाएगा फिर आप अपनी टॉप अप पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड कर दोगे कि बाकी बचाओ क्लेम मेरा इस टॉप अप पॉलिसी से सेट ऑफ करें। तो टॉप अप पॉलिसी के पास प्रीमियम कम लेने का रीजन ये है कि उनके पास ज्यादातर सारे ही केसेस जेन्युइन आते हैं, फेक नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक ट्रिगर नहीं काम करेगा तब तक टॉप अप तो आएगा ही ना इस पिक्चर में। सो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर इन तो भी एज अ बायर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को तो आपकी कॉस्टिंग बहुत फर्क पड़ जाती है। तो मैंने जो डिफरेंस देखा है,
मैं कभी भी बड़ा सम इंश्योर्ड लूंगा ही नहीं ना, फिर हाँ तो मत लीजिए, तो देखिए मैं आपकी टॉपअप आप, ही लूंगा। हाँ तो आप टॉपअप लीजिए, आप सुपर टॉपअप लीजिए पॉलिसी के साथ, अपनी बेस पॉलिसी के साथ। अगर आपको बड़ा सम इंश्योर्ड लेना है तो आप वैसे लीजिए। देखिए अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए कोई इंसान है या कोई फैमिली है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है बड़ा प्रीमियम देना, और उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है इतना पैसा स्पेंड करना ऑन अ हेल्थ इंश्योरेंस विद अ बिगर प्रीमियम, तो वो ऑब्वियसली मिक्स बनाएंगे। वो एक बेस पॉलिसी रखेंगे और उस बेस पॉलिसी के ऊपर एक टॉपअप डाल देंगे या सुपर टॉपअप डाल देंगे। बट अगर किसी को लगता है नहीं यार मैं इतने पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं प्लेन एंड सिंपल रखना चाहता हूँ, मेरी अफोर्डेबिलिटी है, मैं 3 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ, तो वो फिर एक बेस पॉलिसी से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने। उसमें फिर देखिए फर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एडवांटेजेस मिल रही है कि वर्ल्ड वाइड कवरेज है और डोमिसलरी एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड है, ये सब चीजें फिर आपके टॉपअप वाले में नहीं होंगी ना। टॉपअप तो बेस होगा, वो तो आपको सिर्फ क्लेम सेटल करके देगा जितना खर्चा है, वो वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं देगा, वो सिर्फ इंडिया के अंदर देगा। अच्छा, तो टॉपअप इज ओनली जब कि कोई, मतलब बेसिक फर्क जो मुझे समझ आया, टॉपअप जो है आपकी जितने भी फीचर्स हैं वो आपके बेस पॉलिसी पर काउंट होंगे, और टॉपअप है कि भगवान ना करे ऐसी बहुत भारी कोई मुसीबत आ गई तब जो है वो जी टॉपअप से कवर होगा। जी 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 बिल्कुल। तो अगर आप फीचर लोडेड और बेनिफिट लोडेड पॉलिसी चाहते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट मिल रहा है, डोमिसलरी एक्सपेंसेस का भी मिल रहा है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, और बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी बेस पॉलिसी में ही होंगे। टॉपअप तो सिंपल सा टॉपअप प्लान है, उसका काम सिर्फ इतना है कि क्लेम आया है और वो क्लेम जो है वो ओवर एक्सीड कर गया है बेस पॉलिसी को, तो अब बाकी बचाव कहाँ से आएगा, तो बाकी बचा हुआ जो पेमेंट है वो फिर टॉपअप पॉलिसी उसको फैक्टर इन करके पेमेंट करती है। एक मुझे ये बताएं, इसके अलावा इसी के कंपेरेबल और कोई दो तीन प्लान्स और क्या हो सकते हैं? तीन कंपेयर चार कैसे कंपनी, समझूं कि भाई यही बेस्ट है? आप तो कह रहे हैं ये अच्छा है, बट मुझे भी तो पता लगने के लिए। देखिए मैंने बेस्ट तो नहीं कहा, मैंने कहा काफी अट्रैक्टिव है और काफी ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट है, हो सकता है हर किसी को जी सूट ना करे, बट जो अच्छी पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि हाँ कोई ऐसा प्लान हो जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है, तो उस उनके लिए सुटेबल है। और ऐसी और भी पॉलिसीज है, ऐसा नहीं कि अकेली एकमात्र पॉलिसी है, सो देर आर हाँ फ्यू अदर पॉलिसीज लाइक केयर इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, वो भी वर्ल्ड वाइड कवर देती है, उसके अंदर भी आप अगर एक बड़ा सम इंश्योर लेते हैं तो वो भी आपको दे गिव देम गिव यू द एडवांटेज ऑफ ट्रीटमेंट अब्रॉड। मैक्स बुपा की पॉलिसी है, उसमें भी ये फीचर इंक्लूडेड है। अपोलो की एक पॉलिसी जो कि अब HDFC अर्गो हो गया, उसमें भी ये एडवांटेज है। तो 3 4 कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रही है, जो डिफरेंस है वो मेजरली वर्ल्ड वाइड कवरेज का है और एयर एम्बुलेंस का है, तो वो ये 3 4 कंपनी से भी सेटिस्फाई होता है। तो बेसिकली जो करना है वो ये करना है कि प्रीमियम्स को कंपेयर करना है, फीचर्स और बेनिफिट्स को कंपेयर करना है, और जो पॉलिसी होल्डर को सबसे सूट करता है उस कंपनी के साथ हमने मे बी आगे बात करके और प्रपोजल फॉरवर्ड करके उस पॉलिसी को लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ यही पॉलिसी बेस्ट है, देर आर अदर ऑप्शन ऑल्सो, बट दिस इज समथिंग विच इज न्यू, जिसमें कई चीजें नई डाली गई हैं जो पहले नहीं थी, जिनको कि कहीं ना कहीं ध्यान में रख के डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या ये मेरे लिए बेस्ट सुटेबल तो नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी नीड अलग हो सकती है, किसी और की नीड अलग हो सकती है, तो देयर कैन बी द मोस्ट सुटेबल वन, बट बेस्ट तो मेरी नीड के बेसिस पे डिसाइड होगा कि मुझे क्या सूट कर रहा है। ओके फाइन। अब आखिरी मेरा आपसे थोड़ा छुपता हुआ सवाल है, मैं आपके पास क्यों हूँ? मैं पॉलिसी बाजार से खरीदूंगा जाकर के, मतलब। बिल्कुल खरीद लीजिए, इनफैक्ट पॉलिसी बाजार से खरीद के आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि कॉस्ट में बहुत फर्क हो, मतलब बहुत फर्क तो नहीं बट थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट वहां पे देखिए आपको कितना समझाने फर्क और है, बताने वाला। जी जी आप कुछ कह रहे थे? कितना फर्क है पॉलिसी बाजार में और ऑफलाइन में? ज्यादा नहीं, 5 7% का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन खरीदें तो बहुत पहाड़ जैसा डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है, 5 7% का होता है, क्योंकि वहां पे आपको कोई एडवाइस करने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं है। खरीदना बहुत आसान है, खरीद तो आप कहीं से भी सकते हैं, आप पॉलिसी बाजार से खरीद लो, पॉलिसी वर्ल्ड से खरीद लो, XYZ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। प्रॉब्लम आती है तब जब आपको सर्विस चाहिए होती है, सर्विस इन द सेंस के सर्विस से पहले भी, इनफैक्ट सेलेक्ट कैसे करें, सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।
मतलब कई बार हम अपनी कुछ छोटी सी कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में गलती ये कर लेते हैं कि हम गलत प्रोडक्ट उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स है एज अ लेमैन चूज करने के अलग होते हैं, एक एक्सपर्ट के अलग होंगे। तो अगर मेरे को पता है स्पेसिफिकली कि मुझे कौन सी पॉलिसी चाहिए, किस कंपनी से चाहिए, कितने अमाउंट की चाहिए, तो मैं ऑनलाइन जाके खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मुझे चाहिए क्या। बट अगर मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे चाहिए क्या, कहाँ से चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट सुटेबल है, तो सजेशन यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाए, उसकी राय लें, क्योंकि बहुत मिनिस्क्यूल सी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, बारीकियां होती है, जो हो सकता है आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ओवरलुक हो जाती है चीजें, आप ध्यान नहीं देंगे और बाद में पता चला कि इसकी वजह से आपका क्लेम नहीं सेटल हुआ, या आपको कुछ ऐसी कॉस्ट लेनी पड़ गई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप खुद ये सारी रिसर्च और चीजों की परख कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जाके ले लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी की मदद ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। तो जो काम डॉक्टर कर सकता है वो बिल्कुल डॉक्टर कर सकता है, वो काम केमिस्ट नहीं कर सकता है। तो केमिस्ट के पास जाके आपको गोली मिल जाएगी, बट अगर कोई सही सजेशन, सही डायग्नोस्टिक और सही एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वही बताएंगे कि आपके लिए क्या सबसे सूटेबल। थैंक यू जितेंद्र, मेरे सवाल खत्म हो गए। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work now.